वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। सो आज के वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं नायका का सबसे चीपेस्ट मेकअप, बिकॉज इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो जस्ट 35 रुपीज है एंड जो सभी प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज के अंडर है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस में। एंड ऑल्सो इसके ऊपर ना मैंने नायका के चीपेस्ट हॉल भी ना आप लोग सर शेयर किया है। एंड हेयर इज माई ऑल मेकअप प्रोडक्ट जो भी मैंने नायका से बाय किया था, बट मैंने आई शेडो पैलेट ना नायका से बाय नहीं किया, बिकॉज जो आई शेडो पैलेट सबसे कम प्राइस पर नायका पर अवेलेबल थे ना वो आपको उससे भी कम एंड डिस्काउंट प्राइस में ना अनदर ऐप पे मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने आई शेडो पैलेट बाय नहीं किया, बट यहाँ पे मेरे पास फुल ऑन फेस वाले प्रोडक्ट है। सो देखते हैं ये किस टाइप से वर्क करते हैं इन रियलिटी ऑन माई फेस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहे, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट्स मीन अलॉट टू मी। एंड लेट्स बिगिन। ओके सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है ये नायका का प्राइमर, छोटा सा क्यूट सा है। ये मुझे मिला था नायका पे जस्ट एंड जस्ट 109 रुपीज़ में। ये थोड़ा सा ना थिक है, मुझे ना ये थोड़ा थोड़ा लाइक ब्लू हेवन इनसाइड एंड मार्स जैसा लगता है, बिकॉज उन तीनों का जो फॉर्मूला है ना वो सेम टू सेम है। ये आपके पोर्स को फिल करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, पोर्स को फिल करता है। एंड जस्ट लुक एट दिस, मैंने जहाँ जहाँ प्राइमर अप्लाई किया ना मेरी स्किन एकदम मैट हो गई है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, देन आप ये नायका का प्राइमर ज़रूर ट्राई करके देख ना, ट्रस्ट मी 109 रुपीज में बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, बट द रिजल्ट इज अमेजिंग। जस्ट लुक एट माई बेस, कितना ऑयली लग रहा था शुरू में एंड नाउ ये एकदम मैट हो चुका है। सो आई रियली लाइक दिस प्राइमर। सो नाउ मेरे पास है यहाँ पे ये इनसाइड का कलर करेक्टर इन दी शेड ऑरेंज, एंड मैंने ना इसे एक बार यूज कर रखा है। ये थोड़ा सा ना थिक है, तो आप इसे जब अप्लाई करो ना तो फटाफट से ब्लेंड कर लो। एंड मैं इसे जस्ट थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करूंगी जहाँ पे भी मेरे डार्क स्पॉट है या मुझे एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, दैट्स इट। बिकॉज ये आपको ना काफी सुंदर कवरेज प्रोवाइड करता है, बट इसमें ना इनसाइड का एक और आता है लाइक पूरा पैक वाला, एंड आई विल रेकमेंड वही वाला, बिकॉज इसमें आपको एक ओनली 95 रुपीज में मिल रहा है एंड वो आपको 200 रुपीज में आपको 5 मिल जाएंगे। बट ओवरऑल ये इनसाइड का कलर करेक्टर काफी अच्छा है 95 रुपीज में। लाइक अगर आपके डार्क स्पॉट पिंपल है ना, देन आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसने मेरी स्किन को एकदम इवन कर दिया एंड ऑल्सो कवरेज भी काफी सही है। सो या आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो नाउ फाउंडेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे ये बायोटिक का फाउंडेशन है जो मुझे नायका से जस्ट 109 या 120 रुपीज समथिंग में मिला था। एंड इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत ही लाइट वेट है, एंड मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। बट इसकी जो कवरेज है ना वो बहुत ही कम है, लाइक इससे आप अपना ना सिंपली टचअप कर सकते हो। इट्स नॉट अ फाउंडेशन, इट्स जस्ट अ बीबी क्रीम। एंड ऑल्सो आई नो अभी आपको बहुत ही ज्यादा व्हाइट लग रहा होगा, बट आप इसे जितना ज्यादा ब्लेंड करोगे ना ये ऑक्सीडाइज होता है एंड देन आपकी स्किन में ना एकदम अच्छे से सेट हो जाता है लाइक आपके स्किन टोन के हिसाब से। एंड मुझे पर्सनली बायोटिक का फाउंडेशन काफी पसंद आया, बिकॉज ये आपको बहुत ही सुंदर ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड नाउ आप इसका शेड देख सकते हो, बिल्कुल भी व्हाइट नहीं लग रहा, जितना ज्यादा मैंने ब्लेंड किया ना ये एकदम अच्छे से सेट हो गया एंड एकदम मेरे स्किन टोन का लग रहा है। दैट्स व्हाई आई लव दिस इस प्राइस में। ओके सो मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। सो नाउ मैं अपने बेस को सेट कर लूंगी। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये बायोटिक का कॉम्पैक्ट पाउडर है, कुछ इस टाइप की पैकिंग है। मुझे पर्सनली बायोटिक के प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी लगी। देन इसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिरर मिल जाएगा एंड आपको पाउडर मिल जाएगा। इसमें आपको पफ भी मिलता है, बट आई डोंट नो अभी पफ कहाँ है। तो इससे मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूंगी। ये काफी ज्यादा लाइट है अगेन मेरे स्किन टोन से, बट ये आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। लाइक शुरू में आई नो अगेन ये आपको ना व्हाइट व्हाइट लगेगा, बट ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है एंड काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एंड ऑल्सो इसकी कवरेज एंड फिनिशिंग काफी अच्छी है। लाइक अगर आप फाउंडेशन नहीं भी अप्लाई करोगे ना, देन आप ये सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो। आपके फेस पे जितना भी ऑयल एंड स्वेट होता है ना उसको कंट्रोल कर लेता है। शुरू में व्हाइट लगता है, बट ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मुझे आई थिंक 110 या 5 रुपीज में मिला था काफी चीप प्राइस में। एंड जस्ट लुक एट माई बेस राइट नाउ, बिल्कुल भी व्हाइट नहीं लग रहा, बहुत अच्छे से सेट हो गया। एंड ट्रस्ट मी दिस कॉम्पैक्ट पाउडर इज बेस्ट, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लाइक जस्ट लुक एट माई बेस, कितने अच्छे से सेट हो गया है। एंड मुझे पर्सनली ये कॉम्पैक्ट पाउडर काफी पसंद आया। ओके सो नाउ मेरे पास है यहाँ पे ये मिस क्लेयर की पैलेट कुछ इस टाइप से। इसमें आपको ब्लशर, ब्रोंजर एंड हाइलाइटर मिल जाएगा, जिसमें ये वाला जो ब्रोंजर है ना, अगर आप बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन के हो देन आपके ऊपर ओके ओके लगने वाला है। एंड ये वाला ब्लशर शेड मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। देन इसमें आपको हाइलाइटर नहीं मिल रहा, इस टाइप का एक पाउडर मिल रहा है जो बहुत ही ज्यादा पाउडरी है। लाइक जो तीनों शेड है ना बहुत पाउडरी है, मुझे पर्सनली ये तीनों
शेड ही बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, एंड इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई विल नॉट रेकमेंड कि आप ये वाली पहले ट्राई करो, बट ठीक है हम आज इसे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं पिक करूंगी ये वाला ब्रॉन्जर शेड, एंड जस्ट लुक एट द शेड कितना ज़्यादा लाइट है फॉर माई स्किन टोन। इसे तो मैं एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हूँ मेरे स्किन के लिए, एंड मेरे फेस की ना इससे कहीं से भी ब्रॉन्जिंग नहीं हो रही है। बस मैं जस्ट आप ऐसे मान लो कि मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। मुझे सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोडक्ट लगा है ये, एंड जस्ट लुक एट माई बेस, लाइक आपको कुछ भी डिफरेंस लग रहा है अभी? आई डोंट थिंक सो। ओके सो नॉट रेकमेंड बिल्कुल भी। सो नाउ हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। इसके लिए इसमें आपको एक ब्लशर मिल जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है, नो डाउट। अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टोन की हो ना, देन ये शेड बहुत ही अच्छा लगेगा, बट इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, इट जस्ट अ पाउडर। अगर मैं इसका पूरा पैन भी अप्लाई कर लूँगी ना अपने फेस पे, तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाला, बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, एंड इस पूरे हॉल में ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोडक्ट है। लाइक मैंने इससे ना प्रोडक्ट को कितनी बार पिक किया, बट मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लग रहा है, ना ही ब्लशर एंड ना ही ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर तो फिर भी ठीक है, ओके ओके लग रहा है, बट ब्लशर इज नथिंग, ट्रस्ट मी, इन रियलिटी इट्स नथिंग, एंड इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, नॉट रेकमेंड, लाइक बिल्कुल भी बाय मत करना। एंड आई फील कि मुझे इसे ना रिटर्न कर देना चाहिए था, बिकॉज इसका प्राइस 220 या 200 रुपीज़ था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके सो नाउ हाइलाइटर के लिए मेरे पास यहाँ पे ये इनसाइड का हाइलाइटर है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा था नायका पे, एंड अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ ना, सो जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, बहुत ही सुंदर है, एंड जस्ट लुक एट द ग्लो ऑन माई फेस। जस्ट मैंने थोड़ा सा ये अप्लाई किया, एंड आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो। लाइक अगर आप ये वाला हाइलाइटर यूज़ करो ना, तो थोड़ा सा केयरफुली करना, बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है ना कि आप इससे मैस भी कर सकते हो। एंड जस्ट लव दिस हाइलाइटर, जस्ट लुक एट दिस, ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी। हाइलाइटर में ना आपको ये वाला जरूर ट्राई करना चाहिए, एंड ऑल्सो इसमें आपको 4 मिल जाएंगे, तो आप इसे बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो। नाउ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी ओवर ना लगे, एंड या दैट्स इट। नाउ आईब्रो के लिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट नायका से बाय नहीं किया था, तो मैं फटाफट से अपनी आईब्रो फिल कर लेती हूँ, एंड देन आपसे मिलती हूँ। ओके सो नाउ आईब्रोज इज डन, एंड आईब्रो के बाद मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, व्हाट यू थिंक? सो नाउ हम अप्लाई करेंगे काजल, एंड मुझे नायका पे सबसे चीप प्राइस में मिला था ये मिस क्लेयर का काजल, जो आई थिंक मुझे 60 या 50 रुपीज़ में मिला था, एंड अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक है, ड्राई होने के बाद काफ़ी हद तक स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। लाइक इस प्राइस में आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एंड जस्ट लुक एट माई आई, लाइक काजल तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मेकअप में। लाइक अगर मैं काजल अप्लाई कर लूँ ना, तो मुझे मेरी आईज काफी अच्छी लगती है। सो नाउ आईलाइनर के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 आईलाइनर है ब्लू हेवन से, एक ब्लैक एंड एक ब्राउन कलर में, एंड मुझे लगता है ये ब्राउन वाला लगाना चाहिए, बिकॉज मेरे टॉप से काफी मैच का है, एंड ऑल्सो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। लाइक ब्लू हेवन का ये वाला आईलाइनर 35 रुपीज़ वाला किसने नहीं ट्राई किया होगा, आई थिंक सबने ही ट्राई किया होगा। सो मैं इससे एक बोल्ड आईलाइन ड्रॉ करूंगी, लेट मी जस्ट ट्राई। ओके आईलाइनर इज डन, एंड व्हाट यू थिंक, ये आईलाइनर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? लाइक मैंने फर्स्ट टाइम कोई कलरफुल आईलाइनर अप्लाई किया है, बट इट्स ओके, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो नाउ हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ब्लू हेवन का छोटू सा मस्कारा है, एंड अगर इसका मैं वॉन्ट की बात करूँ ना, तो जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर है ये, आपके लैशेज को ना बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड सेपरेट भी करता है। लाइक जस्ट लुक एट माई लैशेज, मैंने जस्ट थोड़ा सा ही अप्लाई किया है, एंड इसने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिया है। ये मुझे मिला था 55 रुपीज़ में, एंड उस अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। अगर आप अफोर्डेबल में चाहते हो ना 50-55 तक, देन आप ये ब्लू हेवन वाला ट्राई कर सकते हो, इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड अगर आप 2 कोड अप्लाई करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा, बिकॉज जस्ट लुक एट माई आई लैशेज, कितनी सही लग रही है। ओके सो नाउ हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मेरे पास यहाँ पे ये मिस क्लेयर की लिपस्टिक है इन दी शेड 64, एंड इसका जो शेड है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड पिगमेंटेशन भी ना अच्छी है, बट बहुत ही क्रीमी है, दिस इज हाउ इट लुक्स। मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, एंड इसका शेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड बताना आप कॉमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है ये लिपस्टिक। मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसका बिल्कुल भी स्टे नहीं है, काफ़ी क्रीमी है, एंड आई विल नॉट रेकमेंड। ये मुझे आई थिंक 50 या 55 रुपीज़ में मिली थी, बट मुझे ये बिल्कुल भी वर्थ बाई नहीं लगती, एंड ऑल्सो ब्लशर ना बिल्कुल भी नहीं है अपने हमारे फेस पे, लाइक मेरे फेस पे। तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे ये वाली लिपस्टिक लूँगी, एंड जस्ट इसको इस टाइप से थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी,
एंड देन फिंगर की हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी ना इस टाइप से स्मज कर लूँगी। मैं हमेशा अगर नो मेकअप मेकअप करती हूँ ना तो इस टाइप से स्मज कर लेती हूँ अपनी लोअर लैश लाइन को, एंड ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। ओके सो नाउ हम लिपस्टिक को ब्लेंड कर लेते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we ever trust. Guys, this is the final look. कैसा लग रहा है ये look? मुझे comment section में जरूर बताना. And also अगर मैं product की बात करूँ ना, so first of all मुझे Blue Heaven का मस्कारा and ये Nykaa का primer and also inside का highlighter सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। आपको ये तीन प्रोडक्ट तो डेफिनेटली नायका से ट्राई करने चाहिए। एंड जो सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट मुझे लगा है वो है ये मिस क्लेयर का पैलेट। ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है, इसका कोई भी वर्क नहीं है, एंड आई विल नॉट रेकमेंड इस पैलेट के लिए। ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है। एंड ऑल्सो मुझे मिस क्लेयर की लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगी। ऑल ओवर जो सभी प्रोडक्ट है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एंड जो सभी प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हमारे 9K बहुत जल्दी होने वाले हैं एंड मैं ह्यूज गिव अवे लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, आई लव यू।